हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है टू बी वर्ब्स के यूज। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, इसे एंड तक देखना और कुछ वैल्यू ऐड करना अपने लैंग्वेज में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सब्जेक्ट, आप सबको इनके बारे में तो पता ही है, नहीं जानते हो तो देख ले। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू ऑनली यू जो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है सेकेंड पर्सन है, और बाकी सब दे ही शी इट नेम माई ब्रदर माई सिस्टर माई अंकल माई फादर माई मदर और भी बहुत सारे होते हैं, ये सब थर्ड पर्सन है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट पहले से याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर ले। नाउ थोड़ा ध्यान से देखे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा टू बी वर्ब्स यूज होता है। तो देखे, आई सिंगुलर है, आई के साथ में प्रेजेंट में एम लगता है, पास्ट में वॉज लगता है और फ्यूचर में विल बी का यूज होता है। वही यू वी दे ये प्लूरल हैं, यानी बहुवचन हैं, इनके साथ में प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर और फ्यूचर में विल बी। एंड देन लास्ट ही शी इट नेम माई ब्रदर और भी होते हैं एक्सेट्रा, ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, इनके साथ प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज और फ्यूचर में विल बी का यूज होता है। और एक बात, पिछले समय में आई वी के साथ शैल बी का यूज होता था, बाकी सभी के साथ विल बी यूज होता था, बट नाउ मॉडर्न युग में सभी के साथ विल बी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ फॉर्मूला सीखते हैं अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक फॉर्मूला। देखे, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट में आई वी यू दे ही शी इट नेम और भी बहुत सारे होते हैं। टू बी वर्ब में देखे, टू बी एम इज आर वॉज वार शैल बी विल बी, ये वाक्य की पहचान के हिसाब से रखा गया है, यानी कि जब वाक्य के अंत में हूँ है हो है रहता है तब एम इज आर यूज होगा, और था थी थी थे रहेगा तो वॉज वर यूज होगा, फिर गा गे गी होगा तो शैल बी विल बी यूज होगा, एंड कॉम्प्लीमेंट जो वाक्य कंप्लीट करे लास्ट में, डॉक्टर पुलिस आर्मी टीचर हैप्पी ग्रेट रिच एक्सेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं। इसे ध्यान से समझ ले, हो सके तो याद कर ले हमेशा के लिए। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। देखे, मैं अमीर हूँ आई एम रिच, मैं अमीर था आई वॉज रिच, मैं अमीर रहूँगा आई शैल बी रिच। पहला वाला प्रेजेंट में, दूसरा वाला पास्ट में, तीसरा वाला फ्यूचर में है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं, हम दयालु हैं वी आर काइंड, हम दयालु थे वी वर काइंड, हम दयालु रहेंगे वी शैल बी काइंड। इन्हें अच्छी तरह समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद करें। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दे, टू बी वर्ब के बाद नॉट आ रहा है, यानी नॉट जो है सेंटेंस में तीसरे नंबर पे है। नाउ कुछ वाक्यों को देखते हैं, मैं दोषी नहीं हूँ आई एम नॉट गिल्टी, आप बेईमान नहीं थे यू आर नॉट डिसऑनेस्ट, वे गरीब और लाचार नहीं रहेंगे दे विल नॉट बी पुअर एंड हेल्पलेस, कोमल बहादुर नहीं है कोमल इज नॉट ब्रेव, आप और हम कलाकार नहीं थे यू एंड आई वर नॉट आर्टिस्ट, राम और श्याम अच्छे रहेंगे राम एंड श्याम विल बी गुड। इन्हें ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करें और जाने आपने कितना सीखा। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला देखे, हिंदी का जो वाक्य क्या से शुरू होता हो उस वाक्य के लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला पिछले फॉर्मूला से बिल्कुल मैच करता है, बस इसमें टू बी वर्ब जो है वो पहले है, सब्जेक्ट उसके बाद में है, बाकी नॉट तीसरे पोजिशन पे ही है एंड देन कॉम्प्लीमेंट। दूसरा फॉर्मूला जो कि पहले फॉर्मूला के आगे ही डब्ल्यू एच फैमिली एड होकर बना है।
चलिए अब कुछ सेंटेंस का अनुवाद देखते हैं। क्या आप और रोशनी उदास हैं? आर यू एंड रोशनी सैड? क्या वे लोग बेईमान थे? वर दे डिसऑनेस्ट? मैं कब थका और प्यासा रहूंगा? व्हेन शैल आई बी टायर्ड एंड थर्स्टी? सीता कैसे दयालु नहीं है? हाउ इज सीता नॉट काइंड? वे लोग क्यों तैयार नहीं थे? वाई वर दे नॉट रेडी? आप और हम क्यों तैयार रहेंगे? वाई विल यू एंड वी बी रेडी? फॉर्मूला के साथ सारे वाक्यों को ध्यान से समझ ले और दिए जा रहे इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करें, और यदि आपका आंसर हो जाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना आंसर मैच कर सकते हैं, वहाँ आंसर किया गया है। अब अंत में फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए।